गाइस मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल में आप लोगों का। मैंने तो कुमार, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ कैसे प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट है, कौन से स्किन पे लगाया जाता है और किस टाइप कब कैसे लगाना है, क्या इसके इंग्रीडिएंट्स है, ये फुल जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो अपने स्किन पर लगाने से पहले, तो प्लीज़ उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग जानिएगा कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है। डॉक्टर की सलाह तो आप जरूर लीजिएगा। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पर मत यूज किया करो, क्योंकि स्किन अपनी बहुत ज़्यादा अनमोल होती है और अगर उस प्रोडक्ट से आपकी स्किन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उस स्किन को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है और आपकी स्किन नहीं सुधरती और आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ऐसे पैसे आप खर्च करते रहते हो और समझ नहीं आता आप लोगों को कि मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। उसी के बारे में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये केमिकल प्रोडक्ट ना बता के आप एक नेचुरल प्रोडक्ट बताइए, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बताइए। तो मैं एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके आई हूँ और उसी के बारे में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि किस टाइप का ये प्रोडक्ट है, क्या इसके इंग्रीडिएंट्स है। क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी होते हैं ना, वो किसी की स्किन पे सूट करते हैं, किसी की स्किन पे सूट नहीं करते। तो कभी भी यूज करो अपनी स्किन पे, तो उससे पहले आप अपने हाथ पे लगा के देख लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे हल्का सा लगा के टेस्ट करके फिर बाद में आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया करो। ऐसे यूज मत किया करो, ठीक है। तो कभी भी भरोसा मत किया करो कि नेचुरल क्रीम है या आयुर्वेदिक क्रीम है, ठीक है। मेरा कहना तो यही है, और डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप यूज कीजिएगा कोई भी प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो इस प्रोडक्ट का नाम है क्लोंजी फाइनेंस क्रीम। इस टाइप पैकेज में इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा और ये प्रोडक्ट आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में बड़ी आसान से मिल जाएगा या फिर आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप वहां से भी खरीद सकते हो। 16 ग्राम की क्वांटिटी में मिलेगी और इसकी प्राइस होगी 110 रुपीज में, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या डाला हुआ है, क्या कौन से स्किन पे वर्क करता है, ये सब जानेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो जान लेते हैं कि इसमें जो सामग्री डाली हुई है वो कौन कौन सी सामग्री है। पपैया है, ऑयली ऑयल है इसमें, संतरा है और क्लोंजी ऑयल है। जो क्लोंजी ऑयल में क्या क्या है, तो क्लोंजी ऑयल में होता है एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और एंटी सेप्टिक गुण होते हैं, जो हमारे स्किन पे किस कौन सी स्किन पे वर्क करेगा। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स है और या फिर आपके स्किन पे रेडनेस है, खुजली चल रही है, या फिर आपकी स्किन पे एक्जिमा हो चुका है, या फिर आपकी स्किन पे इन्फेक्शन हो चुका है, किसी प्रकार की भी खुजली हो रही है आपकी स्किन पे, या फिर आपके स्किन पे किसी प्रकार का छोटा मोटा दाग धब्बा है, ये पिगमेंटेशन पे वर्क नहीं करेगा। ना आपके हाइपर पिगमेंटेशन पे वर्क करेगा, ना आपके किसी भी दाग धब्बे पे वर्क करेगा। ये बस जो हल्का दाग धब्बा है उसी पे वर्क करेगा। और आप सोचो कि पिगमेंटेशन के लिए हम यूज करें, स्किन वाइटनिंग के लिए यूज करें, तो स्किन वाइटनिंग के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। अगर आपकी स्किन एकदम रेड हो चुकी है, किसी प्रोडक्ट को लगाने से आपकी स्किन रेड हो चुकी है, आपकी स्किन पे खुजली चल रही है, आपकी स्किन पे एक्जिमा हो चुका है, तो आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर रेड वाले चकिते हो चुके तो इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर आपकी स्किन डेड स्किन हो चुकी है, या फिर आपकी स्किन तेज धूप में घूमने की वजह से आपकी स्किन एकदम अजीब सी हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, तो उस स्किन पे भी ये वर्क करता है, लेकिन आपके पिगमेंटेशन को नहीं हटाएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को लगाना कब कैसे लगाना है। तो इस प्रोडक्ट को आपको डे में भी लगा सकते हो, नाइट में भी लगा सकते हो, लेकिन डे में सबसे ज्यादा वर्क कब करेगा, ये नाइट में सबसे ज्यादा वर्क करेगा। क्योंकि डे में होता क्या है कि अक्सर हम देखो डे में लगाते हैं कोई भी प्रोडक्ट, हम बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी में घूमते हैं, तो हमारी स्किन एकदम चिपचिपी सी हो जाती है, अपनी स्किन पे धूल मिट्टी चिपकती है, उससे स्किन पे और भी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप इसको नाइट में लगाइएगा ताकि अच्छे से वर्क करे, ठीक है। अपनी स्किन को क्लीन करना है, अपनी स्किन को फिर जहाँ पे आप इस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो वहाँ पे आपको क्लीन करके ही फिर बाद में इस प्रोडक्ट का यूज करना है। ये आपको धीरे धीरे रिजल्ट देगा, ऐसे नहीं कि तुरंत आपको 10-15 दिन में ही रिजल्ट नहीं देगा ये प्रोडक्ट, इसमें टाइम लगेगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने में टाइम लगेगा, इसको वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कोई केमिकल वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं है ताकि वो जल्दी से आपको रिजल्ट दिखाने स्टार्ट कर दे, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को अगर आप लंबे समय तक यूज करोगे तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा कि भाई इसे ये हो गया वो हो गया। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट, वैसे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके स्किन पर जलन खुजली चक्कर आ रहे इस तरह की प्रॉब्लम हो इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद, तो इस प्रोडक्ट को तुरंत हटा दीजिएगा, ठीक है। और कभी भी यूज करो तो अपने हाथ पर चेक करके फिर बाद में यूज करना है। और इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद आपको इसकी कैप को टाइटली करके बंद करना है, ठंडी जगह पर रखनी है, धूप वाली जगह पर नहीं रखनी, आंगन में ऊंची दूरी बना के यूज करनी है, हाथ पैर में कहीं पर भी यूज कर सकते हो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो। और छोटे बच्चे के हाथ नहीं देनी है, जो छोटी छोटी बातें होती है ना अक्सर आपको ध्यान में रखते हुए यूज करना है। जो गर्भवती स्त्री है प्रेगनेंसी के टाइम पर आप यूज ना करें, अगर यूज भी करते हो डॉक्टर की सलाह लेकर यूज कीजिएगा, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दे सकती, ठीक है। अगर आपकी स्किन पे ये सब की प्रॉब्लम है तभी इस प्रोडक्ट का यूज कीजिएगा, वरना मत यूज कीजिएगा। तो चलेगा साथ के लिए इतने एंड करते इस वीडियो को, और आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।